हाय एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस स्वागत है आप सबका प्री क्योर में प्रीक्योर में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और ये जो करंट अफेयर्स होंगे ये आपके प्रोलिम्स एज वेल एज मेन्स पर्स्पेक्टिव से रहेंगे और आज जो हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो इन्वायरमेंट के हैं ऑफ़ द लास्ट वीक राइट सो शुरू करते हैं पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम के साथ विच इज़ रिलेटेड टू पेंगुलिन पोचिंग देखो अगर हम पेंगुलिन की बात करते हैं ना इट इज़ द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल इन द वर्ल्ड, ठीक है न, world, सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग जिस मैमल की होती है वो पेंगुलिन है जो पेंगुलिन है इसकी ट्रैफिकिंग क्यों होती है क्योंकि ये एक इसका जो मीट है ना दैट इज़ अ डेलीकेसी एज वेल एज जो इसके स्केल्स हैं इट इज़ अ स्केली मामिल ठीक है ये जो इसके स्केल्स हैं वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ होते हैं ठीक है सो इसलिए इसकी ट्रैफिकिंग बहुत होती है अब इसकी जो ट्रेड थी जो इसकी इंटरनेशनल ट्रेड थी दैट हैज़ बीन बैंड ठीक है वो बहुत पहले 2017 में बैन कर दी गई थी लेकिन उसके बावजूद भी चाइना और वियतनाम में इट इज़ यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन जो इसके स्केल्स हैं दे आर नोन टू स्टॉप एजिंग नोन टू क्योर कैंसर एंड वॉट नॉट सो उस वजह से जो पैंगुलन है इसकी इसको मार दिया जाता है इसकी पोचिंग होती है और इसके स्केल्स को की ट्रैफिकिंग की जाती है ठीक है अभी न्यूज़ में क्यों है देखो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला है कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग तेज़ करनी है स्ट्रिक्ट करनी है ताकि हम पेंगुलिन पोचिंग और ट्रेडिंग को कर्ब कर पाएं। लास्ट फ्यू इयर्स में ऐसा देखा गया कि ओडिशा में काफ़ी ज़्यादा रेगुलरली पेंगुलिन पोचिंग वाज़ रिपोर्टेड ठीक है एंड इन फैक्ट एक गैंग को भी पिन डाउन किया गया है ओडिशा में ही राइट एंड पोचिंग इज़ पुशिंग दिस स्पीशीज़ इन टू एक्सटिंगशन राइट दुनिया भर में आठ पेंगुलन की स्पीशीज़ हैं अगर हम इंडिया में बात करें इंडिया में आपको इंडियन पेंगुलन तो मिलता ही है चाइनीज़ पेंगुलन भी मिलता है राइट एंड लाइक आई एट इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट हैवीली ट्रैफिक मैमल देखो पहले ना अफ्रीकन एलिफेंट बहुत uh, ट्रैफिक था उसकी जो आइवरी है वो दुनिया भर में uh, बहुत ही डिमांड में थी तो उसकी ट्रैफिकिंग बहुत होती थी अब जो पेंगुलन है इसको क्लोज़ कंपटीशन दे रहा है राइट right? अब देखो सारे ही स्पीशीज़ है जो पेंगुलन के दुनिया भर में वो एक्सटेंक्शन फेस कर रहे हैं बहुत नंबर्स उनके डिक्रीज हो गए हैं रीजन है पोचिंग एज वेल एज हैबिटेट लॉस ठीक है poaching as well as अब देखो पोचिंग इसलिए भी की जाती है क्योंकि जो स्केल्स हैं जो काफ़ी हैवी डिमांड में रहते हैं उसको उतारने का सबसे आसान तरीका यह है कि एनिमल को अगर हम बॉइलिंग कोल्ड्रन ऑफ वाटर में डाल दें एक बड़ा सा बर्तन होता है कॉल्ड्रॉन उसमें पानी बॉईल करो और उसमें एनिमल को डाल दो सो स्केल्स गेट सेपरेटेड इजीली ठीक है अब वो जो स्केल्स है वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यूज़ होते हैं उसके बाद जो स्किन है पैंगोलिन की वो क्लोथिंग में यूज़ होती है देन पैंगोलिन मीट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डेलिकेसी बिकॉज ऑफ द फैक्ट इट इज रिच इन प्रोटीन्स और टॉनिक फूड माना जाता है और क्रिस्टल मेथ मेथ एम्फिटामीन में भी इसको यूज़ किया जाता है राइट right? अब देखो अगर हम पेंगुलेंस की बात करें इट इज़ दी ओनली नोन स्केली मैमल ये भी एक इम्पॉर्टेंट ना इसका फीचर है कि मैमल्स में सिर्फ एक ही ऐसा स्पीशीज़ है जिसके स्केल्स होते है। वो हैं वो है पेंगुलिन दी स्केल्स आर मेड अप ऑफ कैरेटिन राइट ये भी आप कुछ नोट कर सकते हो अच्छा उसके बाद इंडियन पेंगुलिन ना ये यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट इन्होंने गलत दिया हुआ है इंडियन पैंगुलिन इनडेंजर्ड है ठीक है ये मैंने नीचे लिखा है तो वो सही है इंडियन पैंगुलन इज़ इन डेंजर चाइनीज़ जो पेंगुलिन है ना उसका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो आप सी सी से याद कर सकते हो ठीक है इंडियन पेंगुलिन ना आपको हिमालयन फुट हिल्स में मिल जाएगा नार्दर्न प्लेन्स और सदरन इंडिया मतलब थ्रू आउट इंडिया आपको ये मिलता है सिर्फ एरिड रीजन हाई हिमालयस में नहीं मिलता है आपको ये और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर आपको चाइनीज़ पेंगुलिन मिलता है शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं विच इज़ दी एब्सिल्यूट प्रोटेक्शन विच कैन बी गिवन टू एनी स्पीशीज और साइट्स में भी ना अपेंडिक्स वन में आते हैं ठीक है ये भी थोड़ा सा फैक्ट गलत है ये दो फैक्ट्स इन्होंने मैस किए हैं सो अपेंडिक्स वन में ही आते हैं ओके okay. उसके बाद लाइक आई सेट के मीट इज़ डेलिकेसी अमंग सेवरल कम्युनिटीज टॉनिक फूड बिकॉज ऑफ इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो स्केल्स हैं वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ होते हैं कौन सी मेडिसिन विच आर हेल्पिंग ब्रेस्ट फीडिंग इन वुमेन हेल्पिंग द वुमेन टू इलेक्टेट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एस्थमास और कैंसर को क्योर करने के लिए उसके बाद स्केल्स के रिंग्स भी बनते हैं चाम्प भी बनते हैं पेंगुलन स्किन के कपड़े बनते हैं बूट्स बनते हैं शूज बनते हैं एंड दे आर ऑल्सो Traded and smuggled alive. Right? सो इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन पैंगोलिन तो जैसे मैंने बताया पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सेप्ट एरिड रीजन हाई हिमालयस और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपको चाइनीज़ पैंगोलिन मिलता है उसके अलावा बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका में भी मिलता है ये और चाइनीज़ पैंगोलिन भी आपको ईस्टर्न नेपाल भूटान अदरण इंडिया नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में मिलता है आई यू सी एन रेड लिस्ट की बात करें तो इंडियन इज़ इन डेंजर्ड चाइनीज़ इज़ क्रिटिकली इन ठीक है लाइक आई सेट सी सी से याद कर लो कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में अगर आएगा ये एंड वोट स्पी चीज आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल वन पार्ट वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके अलावा ना ये इसलिए भी न्यूज में था एम का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना उन्होंने इन कोलाब्रेशन विद वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन ट्रस्ट दे हैव स्टार्टेड रेडियो टैगिंग द इंडियन पेंगुलन्स ताकि उनकी जो ट्रैफिकिंग uh, है वो रुक जाए ठीक है रेडियो टैगिंग करनी उन्होंने शुरू की थी लास्ट ईयर 2020 में शुरू की थी देखो फिफ्टीथ फेब को ना वर्ल्ड पेंगुलन डे भी माना जाता है तो अभी वर्ल्ड पेंगुलन डे वुड बी सेलिब्रेटेड दिस ईयर एज़ वेल तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आप पेंगुलन के बारे में नोट कर सकते हैं नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ द रिटर्न ऑफ बर्ड फ्लू इन इंडिया अब देखो जो बर्ड फ्लू है ना लास्ट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी में सेप्टेम्बर में डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंडिया इज़ नाउ फ्री फ्रॉम बर्ड फ्लू लेकिन फिर से इस साल अगर आप देखोगे न्यूज़ में तो बर्ड फ्लू के काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं बहुत स्टेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल केरला राजस्थान मध्य प्रदेश हरियाणा हिमाचल में केसेज ऑफ बर्ड फ्लू हैव बीन फाउंड टू बी पॉजिटिव है ना अब देखो बर्ड फ्लू इज़ ऑल्सो नोन एज एवियन इन्फ्लुन्जा और ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मोस्टली बर्ड्स में होती है ठीक है बर्ड्स में होती है और ये इंडिया में कैसे आई है थ्रू माइग्रेटरी बर्ड्स ठीक है क्योंकि इंडिया तो फ्री था अब माइग्रेटरी बर्ड्स इसको लेकर आए हैं अब ये जो बर्ड फ्लू है ना ये ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर सकता है क्योंकि हांगकांग में पहली बार बर्ड फ्लू का केस uh, मिला था इन अ ह्यूमन जो कि एक uh, uh, ऐसे वर्कर से मिला था विच हैड अ कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड्स ठीक है सो बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा जाता है लेकिन वो भी एक्सट्रीमली रेयर है ठीक है उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज एबसेंट ठीक है सो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड बी वेरी क्लियर कि बर्ड टू ह्यूमन हो सकता है लेकिन रेयर है बर्ड टू बर्ड तो इज वेरी वेरी कॉमन है ना बर्ड तो एक दूसरे को दे ही रहे हैं बर्ड टू ह्यूमन इज रेयर एंड ह्यूमन टू ह्यूमन हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड अंटिल नाउ तो ये चीज़ें जरूर नोट कर ले उसके बाद जो कॉमन स्ट्रेन है जो कॉज करता है सिवियर डिजीज इन बर्ड्स दैट इज़ एच फाइव एन वन तो ये सबसे कॉमन स्ट्रेन है उसके बाद अगर हम बात करें लाइक बर्ड फ्लू की तो ये काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस है काफ़ी तेज़ी से फैलता है ठीक है और ये सबसे पहले चाइना में डिटेक्ट किया गया था इन नाइनटीन इन गूस एंड देन इन्फेक्टेड बर्ड्स वर कल्ड उनको मार दिया जाता है ताकि स्प्रेड ना हो इंडिया में अगर हम तो ये हिमाचल राजस्थान मध्य प्रदेश केरला हरियाणा झारखंड गुजरात और उत्तराखंड दे हैव साउंडेड अलर्ट राइट उसके बाद जो माइग्रेटरी एक्वेटिक बर्ड्स हैं ना दे आर कैरियर्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस और वो अपनी ड्रॉपिंग्स में इसे शेड करते हैं दैट इज़ हाउ इट स्प्रेड्स टू अदर बर्ड्स एंड इवन टू मैमल्स सच एस पिग हॉर्सेज कैट्स एंड डॉग्स ठीक है सो बर्ड्स टू एनिमल ट्रांसमिशन इज़ ऑल्सो सीन 1997 के बाद से इट हैज़ बीन डिटेक्टेड इन 50 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड और जैसे कुछ देश है फॉर एग्जांपल बांग्लादेश चाइना इजिप्ट इंडिया इंडोनेशिया वियतनाम दे आर कंसिडर टू बी एंडमिक फॉर एशियन एच फाइव एन वन वायरस इन पोल्ट्री के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेविलेंट है लेकिन इंडिया ने लास्ट ईयर इंडिया वाज फ्री अब 1997 में ना पहला ह्यूमन इन्फेक्शन का केस डिटेक्ट हुआ था हॉन्ग में और उसके बाद एच फाइव एन वन का था बाद में एच फाइव एन टू एच नाइन एन टू देवर ऑल्सो सीन टू स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स अब ये उन लोगों में होता है दे दो पीपल हु आर इन वेरी मच कॉन्टैक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड लाइफ स्टॉक और डेड बर्ड्स ठीक है बट एक और चीज़ भी है कि जो वायरस है सेंसिटिव टू हीट है तो जो पोल्ट्री कंज्यूम करते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको कहा जाता है कि आप वेल कुक्ड फूड ही कंज्यूम करें देन यू और रेलेटिवली फ्री और जो इन्फेक्टेड लाइफ स्टॉक या डेड बर्थ्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं जैसे उन्हें कल करते हैं या उन्हें यू uh, नो you know, uh, वो करना है अपने अच्छे से उनको uh, जलाना है जो भी करना है तो पी पी ई किट्स पहन कर ही आए उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है uh, जो हम देखते हैं कि uh, इंडिया में पहली बार ये महाराष्ट्र और गुजरात में देखा गया था दो हज़ार छः में और उसके बाद 2008 और uh, 2014 में 2008 में वेस्ट बंगाल में 2014 में केरला में देखा गया था सो इंडिया हैज़ एक्चुअली रिपोर्टेड 25 फाइव एपिसोडस इन फिफ्टीन स्टेट्स बिटवीन टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन टू थाउजेंड बट ह्यूमन इन्फेक्शन का कोई भी केस नहीं देखा गया एंड लाइक आई said, September 2019 में इंडिया ने ख़ुद को declare कर लिया था फ्री from बर्ड फ्लू तो अगर हम डेंजर्स की बात करें ना तो अगर humans में ये डिटेक्ट होता है तो सिक्स आउट ऑफ टेन कन्फर्म्ड केसेस दे डाई ठीक है तो मतलब सिक्सटी परसेंट मोटेलिटी है लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि जो एसिम्पटोमेटिक केसेस हैं या जो माइल्ड केसेस होंगे वो ठीक हो जाता है तो वो रिपोर्ट नहीं करते उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर वायरस म्यूटेट हो जाता है क्योंकि अभी तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं देखा जाता लेकिन अगर वायरस म्यूटेट हो जाता है कि वो ईज़िली ट्रांसमिसेबल हो जाए तो ये भी एक पैंडेमिक बन सकता है करोना वायरस के जैसे उसके बाद सिम्टम्स की बात करें तो सिवियर रेस्पिरेटरी इलनेसेज लाइक निमोनिया या एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज करता है शुरुआत फीवर कफ सोर थ्रोट किसी भी फ्लू जैसे ही होती है इसके लिए एंटीवायरल ड्रग है ओसिलटमाविर ठीक है ओसिलटामिर टेमीविर इज़ दी ड्रग ओसिल टेमिर इज़ दी ड्रग विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट और जो लोग लाइफ स्टॉक के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि आप पी पी ई किट्स पहनें एंड फॉलो हैंड हाइजीन राइट सो so, ये जो हमने ऊपर फैक्ट्स पढ़े हैं उन्हीं के बारे में है कि पीरियोडिकली आउटब्रेक्स देखे गए हैं 1996 में चाइना में पहली बार डिटेक्ट किया था इंडिया में पहली बार 2006 महाराष्ट्र में डिटेक्ट किया गया था ठीक है उसके बाद लाइक आई सेट के एच फाइव एन वन कैन जम्प स्पीशीज़ एंड ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूम्स ठीक है और पहली बार पोल्ट्री फार्म वर्कर में ही देखा गया था हॉन्ग में नाइनटीन ठीक है उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन इज़ नॉट नोन ठीक है उन्हीं में इन्फेक्शन देखी गई है ह्यूमंस उन्हीं ह्यूमंस में इन्फेक्शन देखी गई है दोज हु हैव हैंडल्ड इन्फेक्टेड बर्ड्स और कैरा वायरस सेवेंटी डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो तो इट डाइज ठीक है और इंडिया में जो मीट और एग्स है दे आर वेल कुक्ड ठीक है एंड दे आर एक्सपोज टू ओवर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो इंडियंस आर रिलेटिवली सेफ और इंडिया में केस नहीं देखा गया है बर्ड फ्लू का अभी तक बट एक जो चीज़ वरिंग है वो है मोटेलिटी सिक्सटी परसेंट मोटेलिटी है इस वायरस की एज फॉर नाउ राइट ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ नेक्स्ट है कि जो पावर मिनिस्ट्री है ना उसने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को बोला है कि जो कोल बेस्ड पावर स्टेशन हैं जो वो इमिशन्स करते हैं तो आप उनके जो नॉर्म्स हैं कि वो इससे ज़्यादा इमिशन नहीं कर सकते उसको डाइल्यूट करें सो कहने की बात है कि वो इससे ज़्यादा इमिशन कर सकें उसकी परमिशन मांगी है पावर मिनिस्ट्री ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से राइट सो द यूनियन पावर मिनिस्ट्री हैज़ आज द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री टू डायल्यूट नॉर्म्स फॉर सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लान्ट देखो जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लान्स होते हैं बिसाइड सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन इन दॉम ऑफ एसओ टू एंड एसओ थ्री वो पार्टिकुलेट मैटर रिलीज करते हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज़ करते हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स लाइक कैडमियम मर्कुरी लेड निकल रिलीज़ करते हैं और सीओ और अनबर्न कार्पिन भी रिलीज़ करते हैं Uh, उसके बाद जो ये नॉर्म्स थे ना देवर नोटिफाइड एंड उसके बाद जो ये नोटिफाई किए गए थे नॉर्म्स के ये नॉर्म्स स्टिक होने चाहिए 2015 में कि कैसे कैसे मिशन होनी चाहिए लेकिन और उनको डेडलाइन 2017 की दी गई थी और लेटेस्ट uh, जो डेडलाइन थी वो 2019 की थी उसके बाद भी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने है कि 2022 तक हम वील फुलफ़िल दीज नॉर्म्स सो बेसिकली बात क्या हुई थी दिल्ली में जैसे uh, इन the ऑफ of Delhi within अ 300 हंड्रेड किलोमीटर्स रेडियस ऑफ there देर आर thermal plants प्लान्स उनको बोला गया था कि आप फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लो जैसे ना ये फ्लू डक्ट्स कहते हैं इन्हें इनमें से जो गैसेस निकलती हैं उन्हें फ्लू गैसेस कहते हैं ठीक है सो दी आइडिया वो कि आप यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो ठीक है ताकि जो निकल रही है गैसेस उसमें एस ओ टू नहीं हो ठीक है उसको डीसल्फराइज कर लिया जाए गैसेस को मतलब एस ओ टू रिमूव कर लिया जाए ताकि जो एयर निकलेगी वो रिलेटिवली क्लीनर होगी ठीक है अब देखो क्लीनर टेक्नोलॉजी विल डेफिनेटली हेल्प ठीक है ये ग्रीन पीस का एनालिसिस भी है लेकिन अभी तक जितने भी ये पावर प्लांट्स हैं इन्होंने आ, किसी का आ, जैसे सिर्फ एक महात्मा गांधी है जिसका कमीशन हो गया और फंक्शनल है ये बाकी का टेंडरिंग चल रहा है रिटेंडरिंग चल रहा है बिड ऑफ है तो डिफरेंट स्टेजेस में है और डेली में कोई भी कोल्ड बेस पावर प्लांट इज़ नॉट फंक्शनल आफ्टर द वन इन बादरपुर शट डाउन इन ट्वेंटी एटीन ठीक है बट द पॉइंट इज़ कि ये uh, आप देखो तो 2019 में हमने पीछे रह गया और 2022 तक बोला है ठीक है अब देखो अगर हम देखें कि कैसे कैसे डेडलाइंस आई 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने पहली बार इमिशन स्टैंडर्ड्स दिए कि ये इतना इतना इमिट होना चाहिए उससे ज़्यादा इमिट नहीं होना चाहिए और वाटर कंजम्पन लिमिट भी दी कि कितना वो वाटर कंज्यूम कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट्स अब सिर्फ वन नाइनटी नाइ थर्टी नाइन में से सिर्फ तीन ने कम कम्प, कम्प्लाई किया विद एस ओ टू नॉर्म्स जो वाटर यूसेज नॉम्स थे वो दो हज़ार अठारह में डायल्यूट कर दिए गए जो एनओ एनओ एक्स नॉम्स थे वो जो प्लांट्स दो हज़ार तीन से दो हज़ार सोलह में कमीशन किए गए थे उनके लिए डायल्यूट कर दिए गए थे पहले और उसके बाद जनवरी दो हज़ार सत्रह के बाद जो कमीशन हुए उनके लिए भी डायल्यूट किए जा रहे हैं ठीक है ठीके? और जो बाकी डेड लाइन है वो भी स्टैगर्ड वे में आ, ही एक्सटेंड कर दी गई है जैसे कि मैंने अभी बताया दो हज़ार बाईस tak up uh, the industries have to comply with the norms or more than 50% of the plants have not taken adequate steps to meet these emission norms और उसके बाद जो हमारे आ, मिनिस्टर हैं पार के उन्होंने सी ए को बोला है कि कैसे हम इनको मॉनिटर कर सकते हैं एज़ वेल एज़ कैसे हम इमिशन स्टैंडर्ड्स सेट कर सकते हैं स्पेसिफ़िक टू प्लांट लोकेशंस देखो ऐसा माना जाता है कि कई कई जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा पल्यूटेड एरियाज़ में है और वहाँ पर जो पल्यूशन है वो सिर्फ इंडस्ट्री की वजह से नहीं है ज़्यादा वेदर की वजह से भी है या अदर पोल्यूशन सोर्सेज इन द विसिनिटी भी है ठीक है तो उनके जो नॉर्म्स हैं वो थोड़े स्ट्रिंजेंट होने चाहिए कंपेयर टू इंडस्ट्रीज जो कम पोल्यूटेड एरियाज़ में हैं वहाँ पे आप नॉर्म्स थोड़े रिलैक्स कर सकते हो क्योंकि इतने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स मीट करने के लिए अडिशनल कॉस्ट लगती है है ना सो दैट इज हाउ इट इज़ ऑल पैनिंग आउट तो अभी सब कुछ लिम्बो में है राइट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज़ रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूव की है एडवाइजरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द कंट्री ठीक so है सो बेसिकली जो स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की उन्होंने इस एडवाइजरी को अप्रूव किया है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ लाइकर्स एट हैज़ आई हैव ऑलवेज मैंट ऑफ माई विडियोज़ दैट दट इज अटार्टोटरी बॉडी ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू के तहत बनी है ये दो हजार तीन में बनी है एंड इट इज शेयर बाई द प्राइम मिनिस्टर अब यह जो एडवाइजरी है ये क्या कहती है जिसको अप्रूव किया गया है कि इट सेज कि इट मेक्स इम्पॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन फॉर स्टेट्स एंड यूटीज फॉर डीलिंग विद ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्टचुएशंस एज़ वेल एज वो कहता है कि इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन और इफेक्टिव एक्शंस जल्दी से जल्दी लिए जाने चाहिए देन इट ऑल्सो इनविज इम्पारिंग ग्राम पंचायत इन डीलिंग विद द प्रॉब्लमैटिक वाइल्ड एनिमल्स एज पर सेक्शन इलेवन वन बी ऑफ डब्ल्यू पी ए नाइनटीन सेवेंटी टू उसके बाद देर इज एन एड ऑन कवरेज अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो इंश्योरेंस uh, के लिए है फॉर क्रॉप कॉम्पन्सेशन अगेंस्ट क्रॉप डैमेज ड्यू टू एच डब्ल्यू सी दैट इज़ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तो उसमें भी ये एक एड ऑन करती है इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ऑर्गमेंटिंग फॉर्डर एंड वाटर सोर्सिस विद इन द फॉरेस्ट एरियाज सो दैट एच डब्ल्यू सी कैन भी रिड्यूस्ड उसके बाद अगर होता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तो जो भी एक्सक्राशिया है उसका एक पोर्शन शुड बी प्रोवाइडेड विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ द इंसिडेंट कि अगर आपका कोई लाइफ का लॉस हो गया इन द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तो एक पोर्शन शुड बी गिवन विद इन ट्वेंटी फ़ोर आवर्स देन इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स इंटर डिपार्टमेंटल कमेटीज़ के इंटर डिपार्टमेंटल कमेटीज़ होनी चाहिए लोकल या स्टेट लेवल पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए बैरियर्स बनाने चाहिए सर्कल वाइज कंट्रोल रूम्स जो डेडिकेटेड हैं विथ टोल फ्री हॉटलाइन नंबर्स जो कि ट्वेंटी फोर सेवन ऑपरेट करेंगे हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना ठीक है और मेजर्स डिफरेंट मेजर्स लेना जिससे कि हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं और जो डिफ़रेंट अप्रूवल्स हुए मतलब और जो डिफरेंट डिसीजनस लिए गए वो था इंक्लूजन ऑफ कैरिकल नाउ कैरिकल इज़ अ वाइल्ड कैट विच इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में ऐड कर दिया जाए इससे क्या होगा कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉन्जर्वेशन एफ़र्ट्स हैं वो तेज़ हो जाएंगे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट सो वंस एन एनिमल इज़ इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ तो उनका जो कॉन्जर्वेशन एफ़र्ट्स हैं वो तेज़ हो जाते हैं अभी इधर आर ट्वेंटी टू वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ अंडर रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ तो इस एक्ट के अंडर अभी बाईस स्पीशीज़ आते हैं तो उसमें कैरकल भी इंक्लूड कर दिया जाएगा राइट उसके बाद एन बी डब्ल्यू एल की बात करें तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन फाइव ए ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और जो स्टैंडिंग कमेटी है इट कंसिडर्स प्रपोजल्स आफ्टर अ सीरीज ऑफ लेवल्स ऑफ स्क्रूटनी एंड देन इट हैज रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ इन स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ उसके बाद ही ये अप्रूवल देती है ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज सो दिस इज रिगार्डिंग गेंगेटिक डॉल्फिन तो क्यों न्यूज़ में है बिकॉज थ्री पीपल वर अरेस्टेड फॉर बीटिंग अ गेंगेटिक डॉल्फिन टू डेथ इन यूपी नो फॉर आज दिस गेंगेटिक डॉल्फिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल ठीक है ये एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारे देश का एंड इट वॉज डिक्लेर्यड एज नेशनल इक्वेटिक एनिमल इन टू थाउजेंड एंड नाइन पॉपुलरली इसे सूसू कहा जाता है और ये शेड्यूल वन में आता है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब कि एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है तो वैन यू आर किलिंग दिस एनिमल इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस गेंगेटिक डॉल्फिन नाम से ही पता चलता है गंगा में मिलेगा तो फ्रेश वाटर है है ना और डॉल्फिन आर मैमल्स ठीक है ये मैमल होते हैं एंड दे आर फाउंड इन गंगा रिवर इन इंडिया एंड इंडस रिवर इन पाकिस्तान ठीक है सो दे आर था टू बी फ्यूअर देन फाइव थाउजेंड गेंगेटिक डोल्फिन लेफ्ट इसका रीजन क्या है कुछ थ्रेट्स हैं एक तो प्लास्टिक बहुत बड़ा थ्रेट है वाटर बॉडीज दे आर श्रिंकिंग तो इनका इज श्रिंकिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फिशिंग उसके बाद बराजेज़ और जो डैम्स बना दिए जाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आ, इनको गंगेटिक डोल्फिनस को देन दे आर ऑल्सो पोस्ट फॉर देयर फ्लैश फैट एंड ऑयल ठीक है सो काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स हैं उसके बाद इट इज़ ब्लाइंड बिकॉज इट यूज ईको लोकेशन टू तो नेविगेट एंड हंट ठीक है सो दे प्रोड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स जिससे कि वो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं

खरनाफूली संगू रिवर सिस्टम से मिल जाता है नेपाल इंडिया और बांग्लादेश में राइट और अगर हम बात करें आई स्टेटस की सो दैट इज़ इन डेंजर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया है ऑन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन ऑगस्ट 2020 द आइडिया वॉज टू प्रोटेक्ट बोथ रिवर एंड मेरीन डोल्फिन सो दिस प्रोजेक्ट डॉल्फिन इज नॉट लिमिटेड टू गेंगे डॉल्फिन ओनली इट विल बी ऑन दी लाइन्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर विच हेल्प टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन यू नो हेल्प टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन अब पहली बार इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल एन जी सी की मीटिंग में ही मिल गया था एंड इट इज गोइंग टू भी इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अब केंगेटिक डॉल्फिन के लिए भी ज़्यादा ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इंडिकेटर स्पीशीज़ है फॉर द रिवर गंगा तो अगर गंगा की हेल्थ अच्छी है तो वो इंडिकेट गंगेटिक डॉल्फिन्स की प्रेजेंस उसको इंडिकेट करते हैं ठीक है सो फार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा विच इम्स नमामी गंगे हैज़ बीन टेकिंग सम इनिशिएटिव फॉर सेविंग डोल्फिन लेकिन अब एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट डॉल्फिन इज गोइंग टू बी देयर राइट सो इट इज़ अ टेन यर प्रोजेक्ट टू फोकस ऑन बोथ रिवर एंड सी डॉल्फिन ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है इट्स विल स्ट्रेंथ इन बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज अट्रैक्ट टूरिज्म क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्चुनिटीज़ और इसमें हो क्या रहा है जो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो रही है उसको कम करना है फिशिंग को रोकना है ठीक है देन जो गंगा रिवर डॉल्फिन है उसकी प्रोटेक्शन की भी बात की जा रही है ओके देन नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ओमकरेश्वर डैम ऑन नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट थ्री थाउजेंड करोर विल बी प्रोवाइडेड बाय आईएफसी वर्ल्ड बैंक एंड पावर ग्रिड जो प्राइमरी फीजिबिलिटी स्टडी है कि ये प्रोजेक्ट फीजिबल है कि नहीं वो वर्ल्ड बैंक के साथ कोलाब्रेशन में हो गई है इट विल जनरेट पार बाय ईयर 2022-23, ठीक है इट विल हैव फ्लोटिंग सोलर पैनल्स ऑफ सिक्स थाउजेंड मेगावाट पार जनरेशन कैपेसिटी इन दी बैक वाटर्स ऑफ ओमकरेश्वर डैम ठीक है और दो सालों में ऐसा माना जा रहा है कि ये चीप और गुड क्वालिटी पार प्रोवाइड करना शुरू कर देगा अब जो सोलर पैनल्स है दे विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इन द रेजरवायर तो पानी अगर कम है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा ज़्यादा है तो भी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा क्योंकि रेजरवॉयर में है तो स्ट्रॉन्ग वेव्स और फ्लड का कोई इफेक्ट नहीं होगा एंड द सन रेज विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आप देखो आ, अगर हम फ्लोटिंग सोलर प्लांट की बात करें ना तो दो होते हैं एक होता है फ़्लोटिंग फोटो वर्ल्टेक सोलर पावर प्लांट जो फोटो वर्ल्टेक पैनल्स को यूज़ करता है और एक होता है फ्लोटिंग कॉन्सनट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम जो मिरर्स को यूज़ करता है टू री डायरेक्ट दी सोलर पावर टू अ टार तो दो तरह के होते हैं बेनिफिट्स के है लैंड ऑक्यूपेंसी नहीं करनी आपको लैंड नहीं चाहिए लैंड एक्विजिशन और उसके साथ जो भी इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो नहीं होंगे और लैंड बिकॉज ऑलरेडी इतना कम है हमारे देश में तो वो हम उसका उसको बेटर कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बाद ना ऐसा माना जाता है कि वाटर इवेपोरेशन रोकेगा ये तो वाटर सेविंग है एक तरह से उसके बाद सोलर प्लांट्स प्लाट्स नेचुरल कूलिंग सिस्टम जनरेट बाय जनरेटेड बाय दी वाटर लेयर बीनीथ पैनल सो वो भी खर्चा बचेगा देन नेक्स्ट इज़ अफ्रीकन एलिफेंट सर्वेड यूजिंग एआई अब अफ्रीकन एलिफेंट्स को सर्वे करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी और ए का यूज़ हैज़ बीन डेवलप्ड बाई द रिसर्चर्स एट ऑक्सफ़ोर्ड ठीक है सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सैटेलाइट जो कि स्पेस में ऑर्बिट कर रही है वो बेसिकली आपको सर्वे करके देगी ठीक है कि कितना नंबर है अफ्रीकन एलिमेंट्स का अब एलिफेंट्स के नंबर जब एआई करेगा और सैटेलाइट करेगा तो इट विल एलिमिनेट द रिस्क ऑफ डबल काउंटिंग ठीक है रिपीट सर्विस हो सकते हैं शॉर्ट इंटरवल्स पे देन जो इमेजरी है दैट विल बी प्रोसेस थ्रू अ डीप लर्निंग मॉडल टू डिटेक्ट एलिफेंट्स राइट तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है एंड इट विल ऑल्सो भी एबल टू स्पॉट एलिफेंट इन प्लेसिस अवे फ्राम ट्रेनिंग डेटा लोकेशन आइडेंटिफाई काफ्स इवन दो इट वॉज ओनली ट्रेड ऑन अडल्ट ठीक है उसके बाद जो करेंट टेक्निक्स हैं ना दे आर वेरी uh, कॉस्टली Uh, जैसे कि मैंड एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं अभी सो दे आर नॉट ओनली कॉस्टली दे आर हिंडर्ड बाई पोअर विजिबिलिटी एंड इट इज़ लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग और एरिनज काउंटिंग हो जाए तो मिस लोके मिस एलोकेशन हो सकती है और दिस कास्क कॉन्जर्वेशन रिसोर्स ठीक है इट कैन ऑल्सो लीड टू मिस अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन ट्रेंड्स मतलब जो भी सर्वे का पर्पज़ होता है वो डिफ़ीट हो सकता है तो अभी ए आई ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है बट दिस इज़ फॉर अफ्रीकन एलिफेंट्स ओनली ना इफ़ यू टॉक अबाउट दी कॉन्जर्वेशन स्टेटस ना तो जो एशियन एलीफेंट्स हैं वो इन डेंजर्ड है ठीक है और जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं जिनको अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स कहा जाता है वो वांड्रेबल है वेयर इज़ अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स दैट इज़ इन ठीक है तो एक बार ये ज़रूर देख लेना ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज प्री क्योर केस यू हैव एनी डाउट आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट uh, भी है कि जो हमारा प्रिलिम्स का क्रैश कोर्स है दैट इज़ गोइंग टू बी लाइव फ्रॉम टूडे सो इन केस यू हैव एनी डाउट अबाउट हाउ टू इन या अगर आप कुछ भी उसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट एट आर नंबर सिक्स टू एट जीरो वन डबल थ्री वन डबल सेवन एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प थैंक यू सो मच